शामिल किया गया है। दोस्तों क्रिकेट को देखने का नजरिया पूरी तरीके से 1 अक्टूबर के बाद बदल जाएगा। क्या है ये बदलाव, क्या है ये पांचों बदलाव, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बदलाव जो आईसीसी ने किया है, आईसीसी ने क्रिकेट को देखते हुए किया है, वो है बैट साइज का बदलाव। दरअसल दोस्तों पहले बहुत बार ऐसा देखा गया था कि बल्लेबाज अपने हिसाब से बैटों को बनवाते थे, अपने अलग अलग कंपनियों से बैट उनके बन के आते थे जिसका साइज बहुत डिफरेंट होता था। दोस्तों इससे बल्लेबाज को काफी ज्यादा मदद मिलती थी क्योंकि वो उसके साइज के हिसाब से बैटिंग कर सकता था। लेकिन दोस्तों गेंद का साइज तो एक ही रहता था। आईसीसी ने इसी तर्क को देखते हुए, ताकि इम्बेलेंस ना हो गेम में, अब बैट का एक रेगुलर साइज डिसाइड कर दिया गया है और उस साइज से बड़े बल्ले अब बल्लेबाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों जो आईसीसी है उसने ये कह दिया है कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़े बल्ले का इस्तेमाल अब क्रिकेट फील्ड पर नहीं हो सकता है। ये देखने वाली बात पहले से देखी जा रही थी कि 13-13, 15-15 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई के बल्लों का इस्तेमाल होता था जिससे गेंद को खेलने में बड़ी आसानी होती थी बल्लेबाज को। दोस्तों इसके अलावा अब बल्लेबाज की जो बल्ला है उसकी एज 4 सेंटीमीटर से मोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इससे मोटी अगर एज हो जाती है तो अगर जो बॉल है वो उस कोने से टकराती है तो भी वो ऐसे शॉट के रूप में निकल जाती है और वो फील्डर, जो पीछे खड़े हुए फील्डर है, उन तक नहीं पहुंचती। और ये बदलाव आईसीसी ने किया है, पहला बदलाव। दोस्तों दूसरा बदलाव जो आईसीसी ने किया है वो है रेड कार्ड को लेकर और खिलाड़ियों पर पेनल्टी लगाने को लेकर। दोस्तों लगातार इससे पहले देखा गया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी फील्ड पर बदतमीजी करता था, एम्पायर से, प्लेयर से झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, तो पूरे मैच में तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता था। हालांकि मैच के बाद उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाते थे और उस पर बैन लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों अब ये मैच के दौरान ही होगा, जैसे फुटबॉल में होता है। अब एम्पायर्स रेड कार्ड दिखाएंगे और अगर कोई भी खिलाड़ी इसी तरह की हरकत करता है तो उसे मैच से ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके हरकत के हिसाब से, जिस तरह की उसने गलती की, उस हिसाब से उसे मैच में नहीं रहने दिया जाएगा। 5 ओवर या 10 ओवर या पूरे मैच के लिए उसे बाहर कर देने का प्रावधान आईसीसी ने कर दिया है उनके नियमों में। 1 अक्टूबर से ये नियम भी लागू हो जाएगा और हमें क्रिकेट एक अलग रूप में देखने को 1 अक्टूबर से मिलेगा। दोस्तों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो कि इस पूरी सीरीज का सबसे अहम बदलाव है, वो आईसीसी ने किया है रन आउट को लेकर। रन आउट के फैसलों को लेकर आईसीसी ने यह बदलाव कर दिया है कि पहले अगर बल्लेबाज रन भागता था और वो रन आउट होने से पहले अगर क्रीज को पार कर जाता था तो ये जरूरी था कि उसका बल्ला जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, जो पिच है, उससे घिसटाता हुआ लाइन को पार करना चाहिए। अगर वो बल्ला लाइन को पार भी कर जाता था लेकिन अगर वो हवा में रहता था तो उस प्लेयर को आउट दे दिया जाता था, चाहे वो हवा में और बल्ला और लाइन को वो पार कर गया। लेकिन दोस्तों नए नियम के हिसाब से अगर कोई भी बल्लेबाज रन आउट होने से पहले अगर उसका बल्ला जमीन से घिसटाता ना भी हो, टच ना भी हो, लेकिन वो हवा में ही उस लाइन को क्रॉस कर गया हो तो भी उसे नॉट आउट दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में, पिछले 2-3 सालों में देखने को मिल रहा था कि लगातार इसी तरह से खिलाड़ी आउट हो रहे थे हवा में बल्ले होने के कारण, लेकिन अब इस तरह से विकेट का पतन नहीं होगा। दोस्तों चौथा बदलाव जो आईसीसी ने किया है वो डीआरएस और एम्पायर्स कॉल को लेकर किया है। जो आईसीसी है उसने 2 बदलाव डीआरएस के मुताबिक किए, जिसमें से पहला बदलाव है एम्पायर्स कॉल को लेकर। दरअसल दोस्तों पहले होता ये था कि अगर कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज रिव्यू लेता था और टेक्नोलॉजी उस रिव्यू को, उस डिसीजन को पकड़ नहीं पाती थी तो वो फील्ड एम्पायर के डिसीजन पर भी अडिग रहती थी और एम्पायर्स कॉल का फैसला आता था। ऐसी स्थिति में दोस्तों जिस टीम ने रिव्यू लिया होता था उसका वो रिव्यू भी चला जाता था। लेकिन अब अगर एम्पायर्स कॉल का डिसीजन टेक्नोलॉजी लेती है, थर्ड एम्पायर कहता है कि एम्पायर्स कॉल पे ही, मतलब एम्पायर्स के फैसले पे ही अडिग लिया जाएगा, तो उस टीम जिसने रिव्यू लिया है उसका रिव्यू नहीं जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े क्रिकेटरों ने इस बारे में कहा था, जिसमें सुनील गावस्कर सबसे आगे थे। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने आईसीसी पैनल पर यह बात उठाई थी कि इस तरह के फैसले को बदलना चाहिए और अगर एम्पायर कॉल का फैसला आता है तो वो रिव्यू सुरक्षित रहना चाहिए और अब ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। दोस्तों आखिरी फैसला भी डीआरएस के मुताबिक ही लिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ रिव्यूज डिसाइडेड कर दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले ये कह दिया है आईसीसी ने कि अब T20 क्रिकेट में मैंडेटरी हो गया है डीआरएस तकनीक का इस्तेमाल करना, जिसमें जो एज डिसेक्शन टेक्निक है उसका इस्तेमाल भी मैंडेटरी कर दिया है आईसीसी ने। इसका मतलब अब हर देश को इस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, T20 क्रिकेट में इसकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो टेस्ट मैचेस हैं
उसमें पहले हर 80 ओवर के बाद एक इनिंग में हर 80 ओवर के बाद दो रिव्यूज हर टीम को मिल जाते थे। इसका मतलब कि हर 80 ओवर के बाद टीम के पास एक फायदा हो जाता था, उन्हें दो रिव्यूज मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक इनिंग्स में सिर्फ टोटल दो रिव्यूज लेंगे और 80 ओवर के बाद जो दो रिव्यूज जो जोड़े जाते थे टीम के साथ वो नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों ये फैसला इसलिए बैलेंस किया गया है ताकि वो जो रन आउट वाले फैसले और इन फैसले से जो बैटिंग को नुकसान हो रहा था, बल्लेबाजों को नुकसान हो रहा था, उसे थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके, ये तर्क दिया है आईसीसी ने। तो दोस्तों ये तो थी पूरी रिपोर्ट जो जो बदलाव आई। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये किस मैच से लागू होंगे, क्योंकि 17 सितंबर से ये जो सीरीज होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो भी अक्टूबर में होगी, क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज में नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों आईसीसी और बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में इन नियमों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये पूरी सीरीज बिना इन नियमों के इस्तेमाल से खेली जाएगी। लेकिन भारत की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है उसमें इन सारे नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह की और खबरें क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी लगातार पाते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को प्रॉपरली ज्यादा से ज्यादा लाइक और